उम्मीद करती हूँ कि आपने पहली वीडियो जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। एकदम आपको लगेगा कि आप सच में वैष्णो देवी जा रहे हो। ये है हमारा पार्ट सेकंड। आठ को थी महाशिवरात्रि और पता चलता है कि पास में ही भंडारा चल रहा है, तो बस नहा धो के रेडी होके हम पहुँच जाते भंडारे में। और मुझे देख रहे हो, हर एक चीज लेना है भाई मेरे को, झाक झाक के भी देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये मिला और बहुत ही टेस्टी था। 9 तारीख को हम लोगों ने रेस्ट किया और मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और 10 को निकल पड़ते हैं अपने घर। लेकिन घर जाने से पहले हम आपको एक जगह और लेके चलते हैं, तो लेके चलेंगे भाई इसी वीडियो में, तो बने रहना एंड तक। लेकिन उससे पहले ये देखो मेरी दीदी, दीदी का बचपना देख लो, बिल्कुल ऐसी लगती होगी ना। तो हमने अपने होटल से चेकआउट किया और हम निकल पड़े और सबसे पहले हमने खाए साइकिल वाले छोले कुलचे और फिर किया हमने ऑटो और ऑटो से हम पहुंच गए स्टेशन। और अब मैं माता रानी से केवल एक ही बात कहूंगी, भेज बुलावा अगले बरस भी परदेसी को बुलाओ माँ, हर साल आऊंगी जैसे इस बार आई हूँ। माँ का दोबारा बुलावा आए उसका मैं इंतजार करूंगी। तो एक बार फिर से सुंदर सुंदर जगहों से हमारी ट्रेन जाती है और मैं एंजॉय करती हूँ और थोड़ी देर में मैं पहुंच जाती हूँ जम्मू तवी। तो हम वहाँ पे अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करते हैं और हम निकल जाते हैं अन्नपूर्णा वैष्णव भोजनालय में डोसा और इडली खाने के लिए। और देख रहे हो भाई साहब, इतना बड़ा डोसा था, इडली भी अच्छी थी खाने में। और उसके बाद हम निकल जाते हैं खा पी के एक बढ़िया सी जगह घूमने के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ के फेमस मंदिर में जिसका नाम है श्री रघुनाथ जी मंदिर। और आप लोगों को एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए क्योंकि ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। एक ही जगह पे आपको सारे देवी देवताएं सब देखने को मिलेंगे और बच्चों को तो यहाँ पे स्पेशली आना चाहिए। और ये मंदिर कितना अच्छा है ये अब आप खुद ही देख लीजिए। पूरी जगह जो आप देख रहे हैं ये सब शालिग्राम जी हैं। इस मंदिर में चारों तरफ आपको शालिग्राम जी देखने को मिलेंगे। और ये है हमारी तुलसी माता।
और यहाँ पर आप शिवलिंग को ध्यान से देखिएगा जो कि बहुत ही सुंदर है और ऐसी शिवलिंग और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसी शिवलिंग आपने कहीं देखी है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फोटोज क्लिक करी और उसके बाद हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। तो भाई निशु तिवारी से तो मुलाकात नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन यहाँ जम्मू में एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसको मैं हमेशा रील्स में देखती रहती थी। वैसे तो ये प्रयागराज के हैं जहाँ पर मैं भी पहले रहा करती थी, लेकिन मेरी वहाँ मुलाकात नहीं हुई, यहाँ जम्मू में मेरी मुलाकात हुई। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई, बट उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो गाइस मैं बात कर रही हूँ सौरभ इलाहाबादी की, इनसे मुलाकात हुई मेरी। और क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? तो भाई मैं तो जानती हूँ और मेरा इनसे मिलने का बड़ा मन था, एंड फाइनली मैं इनसे मिल ली। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आती है, तो हम लौटते हैं उधमपुर एक्सप्रेस से उधम मचाते हुए। वैष्णो देवी की ट्रिप तो बहुत ही गजब की रही और मैं फिर से जाना चाहूंगी ऐसी जगह पर। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन में खाना खाया और अगले स्टेशन पर हम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, तो हमारा पिज्जा भी आ गया था और साथ में कोका कोला भी आ गया था, मतलब मेरा फेवरेट। तो बस खाया पिया और सो गए और अगली सुबह हम पहुंच जाते हैं अपने शहर इटावा। और यार इतने बच्चे देख करके ना मुझे मेरे बच्चे की याद आ गई थी, मेरी सोने की। मेरी सोने, वेलकम वेलकम। तो मुझे मेरे सोने को देख करके बड़ा सुकून मिला। और आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।